अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम। आप देख रहे हैं YouTube चैनल मरियम द रेसिपी और आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कोफ्ते, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक चॉपर। इसके अंदर ऐड कर देंगे मटन का कीमा आधा किलो। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आपने फिर इसको बाज़ार से ही मशीन से 2 से 3 दफ़ा निकलवाना है ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए कीमा। फिर आपको इसको चॉपर में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे वो आप हाथ के साथ ही मिक्स कर सकते हैं। 5 से 6 चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें, 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज, ब्रेड क्रम्ब 3 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टी स्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टी स्पून, नमक 1 टी स्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अब हम इसे चॉप कर लेंगे। ये हो चुका तो अब हम इसे निकाल लेंगे और अब हमने इसके कोफ्ते बनाने हैं। उसके लिए हमने अपने हाथों को ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस करना है और फिर इसके कोफ्ते बनाने हैं। जी तो कोफ्ता बन चुका है, ऐसे ही हमने सारे कोफ्ते रेडी कर लेने हैं। कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। उसके लिए मैंने पैन में ऑयल लिया है जो कि गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे कोफ्ते। अब हमने इन्हें 5 से 6 मिनट तक एक साइड से कुक करना है और हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इन्हें कुक करना है। अब इनकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इन्हें कुक कर लेंगे। फ्लेम को आपने लो ही रखना है। टोटल 20 मिनट हो चुके हैं इन्हें कुक होते हुए। ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। कोफ्ते सारे रेडी हो चुके हैं तो अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने पैन में लिया है ऑयल। इसके अंदर ऐड कर देंगे चॉप्ड किए हुए प्याज 5 मीडियम साइज़ के और इनको लाइट सा ब्राउन करना है, हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून और इसको 1 से 2 मिनट तक सॉटे कर लेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर 3 मीडियम साइज के और इनको 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। अब हम इन्हें 4 से 5 मिनट तक के लिए अच्छे से भून लेंगे। जी तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसको ठंडा होने देना है। उसके बाद हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और वापस उसी पैन में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने ऐड कर देना है इसके अंदर 1/2 ग्लास पानी। अगर आप लोग भी ग्रेवी रखना चाह रहे हैं, अगर ज़्यादा रखना चाह रहे हैं तो फिर आप 1 से 2 ग्लास पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे योगर्ट 1 कप और इसको अच्छे से 5 से 6 मिनट तक कुक करेंगे। ये कुक हो चुका है तो अब इसके अंदर ऐड कर देंगे कोफ्ते।
और इसको हमने कवर करके कुक करना है तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर, ताकि जो कोफ्ते हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं, इनके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल भी आ चुका है। तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे धनिया। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।